Hello kids, so here in this video we will see word problems subtraction. Okay, so we have just discussed the word problems, addition word problems. Now we are going to solve word problems on subtraction. So subtraction word problems are also very easy. फ्रेमिंग सेंटेंसेस तो इजी है, बट थोड़ा बहुत आपको ध्यान से करना है, ठीक है? अब्बास क्वेश्चन वन, ध्यान से सुनो. अब्बास कैरीड 96 पैसेंजर्स. सो जैसे एडिशन में मैम ने आपको बोला है कि थर्ड सेंटेंस फिक्स है टोटल, ठीक है? जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में भी कुछ फर्स्ट, यहाँ पे मैं थर्ड सेंटेंस नहीं, फर्स्ट सेंटेंस पहले फिक्स कराऊँगी आपको. सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट सेंटेंस फिक्स है. देखो क्या है, अब्बास कैरीड 96 पैसेंजर्स. हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? पैसेंजर्स. तो कितने पैसेंजर्स हैं? 96 पैसेंजर्स. सो एक बस के अंदर 96 पैसेंजर्स हैं, ठीक है? सो फर्स्ट सेंटेंस हमें ये फर्स्ट लाइन से ही, हमें फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट स्टेटमेंट जो हम बनाएंगे सब्ट्रैक्शन सम में, तो हम ये फर्स्ट सेंटेंस से ही हमें बनाना है. देखो, अब्बास कैरीड 96 पैसेंजर्स. सो मैम आपको अभी पहले से बोला है कि सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट लाइन हम फिक्स करेंगे. फर्स्ट लाइन क्या हम फिक्स करेंगे? टोटल. क्या फिक्स करेंगे? टोटल. सो टोटल हमने एडिशन में थर्ड लाइन में लिखा था टोटल, बट हम सब्ट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम्स में फर्स्ट लाइन में हम टोटल लिखेंगे. टोटल क्या है? व्हाट वी आर डिस्कसिंग हेयर? टोटल पैसेंजर्स. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टोटल पैसेंजर्स इन अ बस. सो द फर्स्ट लाइन में टोटल पैसेंजर्स, PASSENGERS. सो वेन यू आर राइटिंग द वर्ड्स यू शुड नॉट मेक एनी स्पेलिंग मिस्टेक, अदरवाइज अगर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो हाफ मार्क कट सकता है. सो टोटल पैसेंजर्स, हाउ मैनी टोटल पैसेंजर्स आर वेर देयर इन द बस? 96. डन. अब सेकेंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज डन. टोटल, अगर यहाँ पे पैसेंजर्स की जगह फ्लावर्स हैं, टोटल फ्लावर्स. अगर आपको यहाँ पे एनिमल्स दिया गया तो टोटल एनिमल्स. स्वीट्स है, टोटल स्वीट्स. फ्रूट्स है, टोटल फ्रूट्स. टोटल बुक्स, टोटल पेन्स, टोटल वेजिटेबल्स. जो मैम ने दिया है यहाँ पे, जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का नाम पहले टोटल. सो टोटल पैसेंजर्स 96. सेकेंड सेंटेंस क्या है? एट अ बस स्टॉप 35 पैसेंजर्स गॉट डाउन. ये एट अ बस स्टॉप हमें नहीं ज़रूरत, ये सेंटेंस हमें नहीं चाहिए. ये ऐसे नॉलेज के लिए दिया, उसको इग्नोर करो. जो हमें नहीं चाहिए स्टेटमेंट में, उसे इग्नोर करेंगे. मेन हमें क्या चाहिए? ये 35 इम्पॉर्टेंट है. उसके साथ पैसेंजर्स गॉट डाउन, ये गॉट डाउन वर्ड है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है. आप हमेशा जब स्टेटमेंट आप फ्रेम करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के, अपने ब्रेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. आपको जो भी वर्ड्स हैं आपको ये क्वेश्चन से ही पिक करेंगे. गॉट डाउन इज एन इम्पॉर्टेंट वर्ड गिवन हियर. यू हैव टू नोट डाउन कि यहाँ पे गॉट डाउन ही आपको लिखना है. सो क्या मीनिंग है? बस स्टॉप पे 35 पैसेंजर्स उतर गए. तो सेकेंड स्टेटमेंट हमें क्या बनाना है? सेकेंड स्टेटमेंट हम ये सेकेंड लाइन से ही बनाएंगे. जैसे 35 पैसेंजर्स गॉट डाउन, तो आपको लिखना है सेकेंड लाइन पैसेंजर्स. सो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? पैसेंजर्स के. अगर यहाँ पे हम फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे तो फ्रूट्स आएगा सेकेंड. ये फिक्स है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. पैसेंजर्स क्या है? पैसेंजर्स गॉट डाउन. नंबर ऑफ पैसेंजर्स गॉट डाउन भी आप लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो राइट. नंबर ऑफ, वो ज़्यादा अच्छा है. नंबर ऑफ पैसेंजर्स गॉट डाउन, अदरवाइज पैसेंजर्स गॉट डाउन इज ऑल्सो ओके. कितने पैसेंजर्स गॉट डाउन? 35. सो हमें क्या करना है? हाउ मैनी पैसेंजर्स वेयर लेफ्ट? जो लेफ्ट वाला वर्ड है, ये कीवर्ड आप यूज़ करती हो ना उसको, कीवर्ड लेफ्ट. बाकी बस में कितने लोग हैं? तो क्या क्वेश्चन है? 96 पैसेंजर्स थे बस में. उस 96 पैसेंजर्स में से 35 किसी बस स्टॉप पे उतर गए हैं, तो अभी बाकी कितने पैसेंजर्स हैं? सो थर्ड लाइन भी फिक्स है. जैसे उसमें हमने एडिशन में टोटल करके थर्ड लाइन फिक्स किया ना, इसमें भी सब्ट्रैक्शन में भी थर्ड लाइन हम फिक्स करेंगे, पैसेंजर्स लेफ्ट.
यहाँ पैसेंजर्स नहीं है, किसी और के बारे में, बर्ड्स के बारे में है, बर्ड्स लेफ्ट। अगर फ्रूट्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है तो फ्रूट्स लेफ्ट, जो है वो ऑब्जेक्ट का नाम लेके लेफ्ट। आपको थोड़ा समझना मुश्किल है बट अब ये एक बार आप समझ जाएंगे तो आई थिंक क्लास में आज बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया था, बहुत सारे बच्चों ने आंसर्स दिया। बट जो भी स्टूडेंट्स आज एब्सेंट हैं या आज एक दो बच्चे को जो समझ में ज़्यादा नहीं आया स्कूल में, क्योंकि बातें भी तो करना होता है ना, जब मैम समझाती हो तो तब उस टाइम बातें भी करते हैं आप, ध्यान नहीं देते हैं ना एक दो बच्चे, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन में है ना, वो सारे अभी सीख लो अच्छे से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल पैसेंजर्स, जो हमने फर्स्ट सेंटेंस से पिक किया है। सेकंड स्टेटमेंट है पैसेंजर्स गॉट डाउन, वो हमने सेकंड सेंटेंस से पिक किया है। अब थर्ड सेंटेंस से हमने थर्ड सेंटेंस से हमें थर्ड स्टेटमेंट लिखना है, वो है पैसेंजर्स लेफ्ट। हम तीन चार सम्स और करेंगे ना तो इट विल बी ईजी फॉर यू। हियर आपको 96 से 35 माइनस करना है, दिस इज़ अ सिंपल सब्ट्रैक्शन सम। ये भी मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जहाँ बोरो करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ ज़बरदस्ती बोरो करके कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, ये 6 को कट करके 16 बनाएंगे और समझ में नहीं आता फिर 16 से 5 को करना है। सो 11 यहाँ 11 लिख देते हैं, बहुत बड़ा आंसर, छोटा सा आंसर जहाँ आपको लिखना है 3 डिजिट आंसर करके लिखते हैं, आपको समझ में नहीं आता है ना, तो वो भी मैं डिस्कस करूँगी। आपको कैसे पता चलेगा, ये भी मैंने आज क्लास में भी समझाया बच्चों को, कईयों को समझ आ गया है, जिसको समझ में नहीं आया एक बार समझो दोबारा। आपको कैसे पता चलेगा ये बोरो सम है या सिंपल सम है, दस मेथड इज़ वेरी ईजी। आपको जो फर्स्ट नंबर ये देखो, ये 6 है, 6 इज़ अ बिग नंबर और नीचे जो नंबर है वो स्मॉल नंबर है। सो बिग नंबर से हम स्मॉल नंबर को माइनस ईजिली कर सकते हैं, है ना, 6 से हम 5 को माइनस कर सकते हैं, सिंपल 1 है ना, कर सकते हैं ना। अगर बाई चांस टॉप में ऊपर स्मॉल नंबर है नीचे बिग नंबर है तब नहीं कर सकते, तब हमें बोरो करना है। तो आप ये पहले देखो ऊपर जो नंबर है वो बिग नंबर है या स्मॉल नंबर है, आप इसी से आपको पता चल जाएगा कि आपको सिंपल सम करना है या बोरो सम है। 6 इज़ अ बिग नंबर, 5 इज़ अ स्मॉल नंबर, सो वी कैन ईजिली सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6, सो हियर वी डोंट हैव टू बोरो एनीथिंग, अभी हमें यहाँ बोरो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो टी वो लिख दो, अंडरस्टैंड। अब यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे बच्चे, सो 9 - 3 इज 6, राइट। सो 61 क्या है, पैसेंजर्स, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट पैसेंजर्स इन अ बस। सो पैसेंजर 61, पैसेंजर्स इज सिर्फ 61 नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट 61 पैसेंजर्स ऑल्सो, वो वर्ड भी आना चाहिए, क्लियर। अब नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, देखो यहाँ पे देर आर 35 बर्ड्स ऑन अ ब्रांच, ये ऑन अ ब्रांच के हमें ज़रूरत नहीं है, वो उसको इग्नोर कर दो, मेन हमें कौन सा वर्ड पिक करना है यहाँ पे, क्या समझना है, 35 बर्ड्स। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेटमेंट, आई हैव टोल्ड यू फिक्स है, फर्स्ट में हमें क्या लिखना है, टोटल फिक्स है, सब्ट्रैक्शन सम में सबसे पहले टोटल लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टोटल 95% फिक्स है, ठीक है, टोटल किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, बर्ड्स, क्या है टोटल बर्ड्स, इजी है ना, कितना इजी है, देखो बहुत इजी है स्टेटमेंट, आप पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, देर आर 35 बर्ड्स ऑन अ ब्रांच, पूरा इसको देखे एज इट इज़ उतार देते हैं, तो मैं 0 नंबर दूंगी। स्टेटमेंट आपको स्मॉल और क्यूट और स्मॉल मीनिंगफुल स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है, जो मैम ने लॉन्ग सेंटेंस दिया तो पूरा सेंटेंस को नहीं उतारना। आप समझो, देखो टोटल बर्ड्स क्या है, कितने हैं टोटल बर्ड्स हैं, 35। वैसे तो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट लाइन रीड करके फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं बनाना है, मुझे प्रैक्टिस है तो मैंने बना लिया, बट दिस इज़ अ रॉन्ग मेथड। मैं आपको पूरा सेंटेंस पहले पूरा क्वेश्चन रीड करना है 2-3 बार 4 बार 5 बार, जब तक आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आता है उसके बाद ही आप स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से मैं पहले लाइन पढ़ के स्टेटमेंट नहीं बनाऊंगी, मैं पूरे क्वेश्चन रीड करूंगी। देर आर 35 बर्ड्स ऑन अ ब्रांच, एक ब्रांच पे 35 बर्ड्स है,
बैठे थे, ठीक है। 19 बर्ड्स फ्लू अवे, उसमें से कितने बर्ड्स उड़ गए हैं? 19 बर्ड्स। हाउ मेनी आर लेफ्ट, कितने बर्ड्स अभी बाकी है ब्रांच में? एक ब्रांच में इतने बर्ड्स हैं, टोटल इतने बर्ड्स बैठे थे, उसमें इतने बर्ड्स उड़ गए, बाकी कितने बर्ड्स हैं? हम इस क्वेश्चन में बर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट फिक्स है, टोटल बर्ड्स। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, वो भी फिक्स है। तो यहाँ किसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं? बर्ड्स के बारे में। सो बर्ड्स लिखो। और क्या, कौन सा वर्ड हमें पिक करना है यहाँ पे? मेन 19 बर्ड्स फ्लू अवे में हमें ये फ्लू अवे वाला वर्ड पिक करना है। आपको सब्ट्रैक्शन, मेनली स्पेशली सब्ट्रैक्शन सब में कोई ब्रेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जो स्टेटमेंट से भी आप वर्ड पिक कर सकते हैं। सो बर्ड्स फ्लू अवे, अगर ज़्यादा अप्रोप्रिएट बनाना है तो नंबर ऑफ बर्ड्स फ्लू अवे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। कितने बर्ड्स फ्लू अवे? 19। तो यहाँ मैंने साइन भी नहीं डाला, सॉरी, ये माइनस साइन, यहाँ पे स्पेस भी नहीं दिया हुआ, तो स्पेस भी नहीं है इधर, तो आप थोड़ा ऊपर बना दो। अदरवाइज़ मैंने आपको क्लास में सिखाया है ना, इक्वल टू के बाद, सेकेंड इक्वल टू के बाद साइन डाल के फिर उसके बाद आपको सम करना है। बर्ड्स फ्लू अवे, थर्ड सेंटेंस फिक्स है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स लेफ्ट, सो लेफ्ट है, कितने बर्ड्स लेफ्ट है उसके बारे में थर्ड स्टेटमेंट में, थर्ड सेंटेंस में हम लेफ्ट, कितने बर्ड्स लेफ्ट पूछ रहे हैं, तो लेफ्ट। टोटल बर्ड्स, बर्ड्स फ्लू अवे, बर्ड्स लेफ्ट, सिंपल है ना। अब क्लास टू में आप इतने ही सीखो, बहुत है। अब हाँ, ये देखो, इस सम को समझो पहले। हियर 35, 19। सो ये यहाँ पे आपको समझना है कि ये बोरो सम है, सिंपल सम है। सिंपल के लिए मैंने क्या बोला था, पहला नंबर जो ऊपर का नंबर बड़ा होना चाहिए, नीचे का नंबर छोटा होना चाहिए। यहाँ पे देखो, ऊपर जो नंबर है वो छोटा है, नीचे जो नंबर है ये बिग है। 5 इज़ स्मॉल, 9 इज़ बिग, सो 5 इज़ स्मॉलर नंबर। सो ऊपर स्मॉल नंबर है, सो स्मॉल नंबर से हम बिग नंबर को नहीं माइनस कर सकते हैं, सो हियर हमें बारो करना पड़ेगा। सो कैसे बारो करेंगे? सो 5 का फ्रेंड कौन है? 3। सो 3 से हमें 110 बारो करना है, 110 बारो करना है, एंड ये 5 को उसके साथ ऐड करके इट विल बिकम 15। हम ये 13 से ही बारो करेंगे, क्योंकि ये 5 के पास 3 है ना, मैंने आपको बोला है 5 का फ्रेंड है 3। तो 3 अपने फ्रेंड को हेल्प करता है, वो नंबर दे दिया 3 ने, तो अब 1 नंबर चला गया तो 2। सो 3 को कट करके यहाँ पे 2 बना। ये सब आप सबको आ गया है, बोरो सम्स मैंने बहुत अच्छे से आप सबको कराया, बहुत दिन से हम बोरो सम प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट 99.9% ऑफ द किड्स हैव लर्नड हाउ टू बोरो नंबर्स प्रॉपरली, हाउ टू डू बोरो सम्स। अब देखो, अब ये नाउ ये कट करके दिखाना बहुत ज़रूरी है बच्चे, ठीक है। अब 5 को कट करके हमने 15 बना दिया, अब 15 से हमें 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो मैम ने आपको इजी मेथड बताया है, सो आपको फॉरवर्ड काउंटिंग से करना है, आपको 9 के बाद स्टार्ट करना है काउंटिंग टिल 15। सो आफ्टर 9 यू शुड नॉट इंक्लूड 9 को कंसिडर नहीं करना है। वी विल स्टार्ट डूइंग द काउंटिंग आफ्टर 9 के बाद 10, 9 के बाद क्या नंबर है? 10, 11, 12, 13, 14, 15. सो हाउ मैनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो 6 डन, 2 - 1 = 1, ये तो ईजी है। सो आपको फॉरवर्ड काउंटिंग से ही करना है, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी ईजी मेथड, यू विल नॉट डू एनी मिस्टेक, बहुत ईजी है, आराम से विदाउट एनी मिस्टेक आप कर सकते हैं। सो 15 से 9 को माइनस कर दिया, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो ऐसे भी कर सकते हैं। सो 16 इज द आंसर, एंड वॉट 16? बर्ड्स, 16 बर्ड्स, ओके डन, इजी। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। सो इन अ बुक देर आर 57 पेजेस, हमें ये इन अ बुक
ये देरार ये सब की ज़रूरत नहीं है, ये सब इग्नोर करो। मेन क्या है, मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, 57 पेजेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो नंबर है, नंबर के पास क्या वर्ड है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आगे पीछे जब जो देते हैं वो सब इग्नोर करो, वो सब हमें ज़रूरी नहीं है। 57 पेजेस इम्पॉर्टेंट। सो हाँ सॉरी, स्टेटमेंट नहीं बनाऊंगी क्योंकि हमें पूरे रीड करना है ना। राहुल हैज़ रीड 28 पेजेस। सो राहुल ने कितने पेजेस रीड कर लिया। रीड इज़ अ वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये वाला वर्ड हम कंसिडर करेंगे। हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट अनरीड। सो इतने पेजेस एक बुक में टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना है, उसमें किसी बच्चे ने कितना रीड किया और कितना उसने रीड नहीं किया, ये है ना क्वेश्चन। सो हमें कैसे स्टेटमेंट बनाना है, फर्स्ट फिक्स है हमारा स्टेटमेंट, फर्स्ट लाइन टोटल पेजेस। बुक नहीं लिखना है बेटा, हमें नंबर के बाद क्या वर्ड दिया, पेजेस, वही हमें कंसिडर करना। टोटल पेजेस 57। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, पेजेस रीड, पेजेस राहुल रीड पेजेस, सब पेजेस रीड बाय राहुल। नंबर ऑफ पेजेस भी आप लिख सकते हैं, पेजेस रीड बाय राहुल। राहुल ने इसमें कितने पेजेस रीड किया है, राहुल ने 28 पेजेस उसने रीड कर लिया है। सो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, थर्ड लाइन से ही हमें पिक करना है, हाउ मेनी पेजेस लेफ्ट अनरीड। सो हमें क्या लिखना है, किसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, पेजेस, पेजेस लेफ्ट अनरीड, जो जो पेजेस हमने, जितने पेजेस जो हमने रीड नहीं किया, राहुल ने रीड नहीं किया। तो ये आप सॉल्व करो अपने आप, डू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे माइनस साइन डालना है, साइन इज इम्पॉर्टेंट, और सेवन इज़ अ स्मॉल नंबर, एट इज़ अ बिग नंबर, सो दिस इज अ बोरो सम। सेवन छोटा नंबर है, बोरो करना है 17 एंड 4, फिर टी वो भी लिख दो, ये कट करके लिखो उसके बाद टी वो लिखो। सॉल्व करो फटाफट, यस क्विक फास्ट। सो हाउ यू विल सॉल्व इट, एट के बाद एट को कंसिडर करना है या नहीं, नो वी शुड नॉट कंसिडर एट, एट के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कितने नंबर्स आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो 9 इज़ द आंसर। ऐसे भी आप दोनों फिंगर्स यूज़ करके भी कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको करके दिखा रही हूँ, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। सम बच्चे 18, 19, 20 ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं, 17 यहाँ दिया ना, तो 17 पे आपको स्टॉप करना है। कितना है देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ईजी है ना, फॉरवर्ड काउंटिंग से करो, बहुत ईजी है। 4 - 2 = 2, सो 29 क्या है, 29 पेजेस, वी आर डिस्कसिंग अबाउट 29 पेजेस इज द आंसर। ओके डन, क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू रीड इट, कैन यू एबल टू सी, लेट अस सी व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 4। देर वेर 50 पेन्स, सो देर वेर को सब इग्नोर करो, सो 50 पेन्स इज द मेन थिंग, हमें कंसिडर करना है 50 पेन्स, पेन्स हमें मेन कंसिडर करना है। फ्रॉम दिस 27 पेन्स वेर सोल्ड, सो इतने पेन्स, टोटल पेन्स हमारे पास 50 है, किसी के पास, हमारे पास नहीं, किसी के पास या किसी पॉकेट में है, वहाँ से 27 पेन्स को सेल कर दिया, सोल्ड हो गए, 27 पेन्स सोल्ड है, तो यहाँ पे क्या वर्ड हमें पिक करना है, सोल्ड। 27 पेन्स इम्पॉर्टेंट है, सोल्ड इम्पॉर्टेंट है, सो हाउ मेनी पेन्स आर लेफ्ट इन द पैकेट, सो लेफ्ट पेन्स लेफ्ट इज़ द थर्ड सेंटेंस। हाउ वी विल मेक इट, वॉट इज़ अवर फर्स्ट लाइन, टेल मी, वेरी गुड, टोटल पेन्स,
इजी है ना, टोटल पेंस, वेरी गुड। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट टोटल पेंस कितना है 50, डन। सेकेंड क्या है बेटा, इसमें कितने पेंस सोल्ड है, पेंस सोल्ड। सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट में सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, पेंस सोल्ड। यहाँ पे आप नंबर ऑफ पेंस सोल्ड, नंबर ऑफ पेंस लेफ्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नंबर ऑफ भी लिखेंगे, दैट इज ऑल्सो अ गुड प्रैक्टिस। पेंस सोल्ड, पेंस लेफ्ट, ठीक है। नंबर ऑफ पेंस सोल्ड इज 27 और करो, ये भी बोरो सम ही है बिकॉज ज़ीरो इज स्मॉलर देन सेवन, ज़ीरो इज स्मॉल नंबर, सेवन इज अ बिग नंबर, सो यहाँ पे भी हमें बोरो करना है। सो आई गिव यू 2 मिनट्स टाइम टू डू दिस, बोरो बोरो करो। दोस्त हू हैव ऑलरेडी डन इट इन द क्लास विल डू इट इन रफ कॉपी, विल सॉल्व द सम इन रफ कॉपी, सो दैट माई थ्रोट विल रेस्ट फॉर अ मिनट। Done. Whatever the answer will come, you will write it here. And what we are discussing about? We are discussing about pens. So the answer में हमें pens लिखना है. So first statement is total pens, pens sold and pens left. Done. Moving to question number 5. Question number 5. Tina bought, टीना बॉट को छोड़ दो, वो ज़रूरी नहीं है, 89 फ्रूटी पैकेट्स। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्ड विच वी नीड टू फ्रेम द फर्स्ट सेंटेंस। सो 89 पैकेट्स, आप एग्ज़ाम में भी जो ज़रूरी नहीं है उसको इग्नोर करो, जो वर्ड्स को, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है नंबर के साथ जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो नंबर के साथ फ्रूटी पैकेट्स है वो हमने अंडरलाइन कर लिया, ऑन हर बर्थडे, उसके बर्थडे पे उसने 89 फ्रूटी पैकेट्स खरीदा, उसने उसमें 47 ऑफ देम वेर यूज्ड अप, तो कितने यूज़ किया उसने बर्थडे पार्टी पे, 47 फ्रूटी पैकेट्स को उसने यूज़ कर लिया, वेर यूज्ड, नॉट ओनली शी, सबको उसने पिलाया होगा, तो 47 पैकेट्स को यूज़ कर लिया। यहाँ पे क्या वर्ड हमें बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे जो नंबर है 47 इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड यूज्ड अप ये ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। तो इससे हमें सेकेंड स्टेटमेंट फ्रेम करना है। अब थर्ड देखो, हाउ मेनी फ्रूटी पैकेट्स वे लेफ्ट, सो कितने पैकेट्स लेफ्ट। नाउ कैन यू एबल टू मेक द स्टेटमेंट योर सेल्फ, वॉट शुड बी द फर्स्ट लाइन, येस वेरी गुड, टोटल पैकेट्स। इफ यू वॉन्ट फ्रूटी पैकेट्स भी आप लिख सकते हो। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड मैम टोल्ड यू कि नंबर ऑफ लिखेंगे, तो सेकेंड क्या है, नंबर ऑफ पैकेट्स, या नंबर ऑफ को हटा के सिंपल पैकेट्स भी लिख सकते हो। थर्ड सेंटेंस में भी आपको पैकेट्स ही लिखना है बिकॉज हम पैकेट्स के बारे में यूज़ बात कर रहे हैं कि कितने पैकेट्स हमने खरीदा है, या हमने नहीं, किसने, टीना ने, और कितने पैकेट्स यूज़ हो गए। सो सेकेंड स्टेटमेंट का क्या वर्ड मैंने बताया है कि यूज्ड अप, सो यूज्ड अप। थर्ड स्टेटमेंट में पैकेट्स लेफ्ट, यहाँ पे आप नंबर ऑफ पैकेट्स लेफ्ट भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट नंबर ऑफ पैकेट्स। सो नंबर ऑफ पैकेट्स यूज्ड अप, नंबर ऑफ पैकेट्स लेफ्ट, फर्स्ट टोटल पैकेट्स, फिर नंबर ऑफ पैकेट्स यूज्ड अप, फिर नंबर ऑफ पैकेट्स लेफ्ट। इजी, राइट द नंबर्स हियर, यू हैव टू सी वेदर दिस इज अ सिंपल और सिंपल सब्ट्रैक्शन सम और बोरो सम, लाइक आई विल राइट द नंबर्स ऑल्सो फॉर यू। 89, कैन यू सी 89, and used up packets are 47, minus sign is important, minus sign although, so 9 is a big number, 7 is a small number, so ऊपर big number है, नीचे small है, तो यहाँ पे borrow करना है,
Yes, no. No, very good. This is a simple subtraction sum. No need to borrow anything because we already got a big number on the top. So, 9 से 7 को डायरेक्ट माइनस करो, 8 से 4 को माइनस करो, यहाँ लिख दो, टी वो लिख दो पहले से, एंड देन राइट द आंसर हियर. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? पैकेट्स, फ्रूटी पैकेट्स. सो पैकेट्स इजी है ना चिल्ड्रन, नथिंग डिफिकल्ट. नाउ यू लर्नड ऑलमोस्ट, सबको समझ आ गया ना कैसे फ्रेम करना है. चलो लास्ट सम देखते हैं. देर आर 98 चिल्ड्रन इन अ प्ले वे स्कूल. सो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है? 98 चिल्ड्रन, वर्ड नंबर, नंबर के साथ वाला वर्ड. कहाँ पर है? प्ले वे स्कूल में कितने बच्चे हैं टोटल? 98 चिल्ड्रन. ऑन अ रेनी डे 19 चिल्ड्रन डिड नॉट कम टू स्कूल. सो ये 19 इम्पोर्टेंट है सेकेंड स्टेटमेंट में, और डिड नॉट कम इज वेरी इम्पोर्टेंट. 19 बच्चे स्कूल नहीं आए उस दिन, तो टोटल इतने बच्चे हैं, लेकिन किसी रेनी डे, बारिश हो रही होगी, तो 19 बच्चे स्कूल में नहीं आए. हाउ मैनी चिल्ड्रन केम टू स्कूल? सो कितने बच्चे आए? यहाँ पे लेफ्ट वाला वर्ड नहीं, आपको पहले ही बोला था मैंने, आप लेफ्ट 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 सोचते रहेंगे. अगर कोई क्वेश्चन ऐसे भी टीचर्स फ्रेम कर सकती है जहाँ पे लेफ्ट वाला वर्ड ही नहीं है, देखो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे लेफ्ट नहीं है, बट आपको ये एडिशन समझ के प्लस करेंगे तो यू विल गेट जीरो मार्क. आपको तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि रीड द क्वेश्चन 10 times, 4 times, 5 times, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तब तक आप रीड करते रहो. इस क्वेश्चन में क्या है कि 98 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 19 बच्चे नहीं आए, तो कितने बच्चे स्कूल में आए वो पता करना है ना हमें. अब स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले तो एज यूजुअल टोटल चिल्ड्रन, कितने टोटल चिल्ड्रन है बेटा? 98. इधर ही बना लेती हूँ, इतने दूर क्यों? 98. ओके, कितने बच्चे आए थे? नहीं आए, 19 चिल्ड्रन डिड नॉट कम. सो चिल्ड्रन, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? चिल्ड्रन के बारे में. सो सबसे पहले चिल्ड्रन, यहाँ पे भी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन डिडंट कम, डिड नॉट कम. आपको अपने तरफ से कोई स्टेटमेंट बना, कोई वर्ड स्टेटमेंट में क्वेश्चंस वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन में है. आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना है और यहाँ से पिक करना है, दैट्स इट. सो चिल्ड्रन डिड नॉट कम, थर्ड सेंटेंस में चिल्ड्रन केम, और चिल्ड्रन, हाँ चिल्ड्रन केम, यहाँ पे देखो चिल्ड्रन केम, बच्चे कितने बच्चे आए? चिल्ड्रन केम. सो यहाँ पे माइनस डाल दो, ठीक है, और 19, इज दिस अ सिंपल सब्ट्रैक्शन सम और बोरो? टेल मी हाउ डू यू नो इट. आज क्लास में भी एक एक बच्चों से पूछा है ना कि हाउ डू यू नो इट, वेरी गुड. सो यू ऑल्सो, मेनी चिल्ड्रन हैव आंसर टूडे द सेम वे. 8 इज़ अ स्मॉल नंबर, 9 इज़ अ बिग नंबर. सो स्मॉल नंबर से बिग नंबर को हम माइनस नहीं कर सकते हैं. सो आपको सबसे पहले ये वन डिजिट में, वन जो है टेंस वंस का, जो वंस कॉलम में आपको दोनों नंबर्स को चेक करना है, टॉप नंबर और बॉटम नंबर को, विच वन इज़ बिग एंड विच वन इज़ स्मॉल. सो फर्स्ट स्मॉल है तो वी कैनॉट डू सब्ट्रैक्शन, वी कैनॉट सब्ट्रैक्ट. सो वी नीड टू बोरो 110 फ्रॉम द 10 नंबर. यहाँ जो टेंस में जो नंबर है यहाँ से हमें 110 बोरो करना पड़ेगा. सो इसको 18 करो, इसको 8 करो, सब्ट्रैक्ट करो, एंड देन यहाँ पे आंसर्स लिखो, ठीक है. एंड क्या है आंसर में, क्या किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम? चिल्ड्रन के बारे में. सो चिल्ड्रन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके डाल दो, जो यू सॉल्व इट एंड राइट द आंसर हियर. ओके, सो मेकिंग स्टेटमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन सम्स, आई थिंक इट इज़ वेरी ईजी, वो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है. एडिशन में फिर भी थोड़ा बहुत था, जो मोर क्वेश्चन है जहाँ पे जो एम वो आर ई मोर वाला वर्ड है उधर आपको थोड़ा सोच के करना पड़ेगा, बाकी वहाँ थोड़ा डिफ़िकल्टी है, रेस्ट बहुत ईजी है. जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन सम में तो वैसे बहुत ही ईजी है. सबसे पहले टोटल जो भी आइटम्स दिए ऑब्जेक्ट का नाम,
एंड देन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का नाम, या नंबर ऑफ, बिना नंबर ऑफ भी ठीक है. सो जो ऑब्जेक्ट्स है, जो किसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, वो पहले आना है. फिर उसके बाद वो सेकेंड स्टेटमेंट में भी आपको वर्ड्स पिक करना है. जैसे यहाँ पे यूज्ड है, यहाँ पे सोल्ड है, यहाँ पे डिड नॉट कम है. सेकेंड स्टेटमेंट में जो भी हुआ है, एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम इज समथिंग हैपनिंग इन आवर डेली लाइफ. जो हमारे लाइफ में हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे कुछ भी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं ना, वही है. ये स्टोरी सम्स भी कहते हैं इसको. ये एक स्टोरी है, दिस इज़ अ स्मॉल स्टोरी. उस स्टोरी को आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है. सेकेंड सेंटेंस का जो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, वो सेकेंड सेंटेंस से ही आप पिक करेंगे. और थर्ड में, थर्ड सेंटेंस का लेफ्ट आना है. अगर लेफ्ट नहीं लिखना है, यहाँ पे लेफ्ट वाला वर्ड नहीं दिया है, केम है, तो हमने लेफ्ट की जगह केम को पिक कर लिया. राइट चिल्ड्रन? सो सब्ट्रैक्शन सम्स इजी है ना? ओके, वेरी गुड. ऑल द बेस्ट. प्रैक्टिस करो.